हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पिछले दो दिनों से दो लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को आईजीएमसी में सोलन के एक युवक की मौत के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कांगड़ा के ठानपुरी के इस व्यक्ति को रविवार को टांडा में भर्ती करवाया गया था। सोलन को उसका सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शनिवार को आईजीएमसी में सोलन के युवक की मौत के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 9 मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें 4 आईजीएमसी शिमला और 5 टांडा मेडिकल कॉलेज के मामले शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के 42 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच हॉस्पिटल में सर्दी, खांसी और बुखार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर आईजीएमसी और टांडा में स्वाइन फ्लू के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीजों की हर घंटे के बाद मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएमओ कांगड़ा और डॉक्टर बीएम गुप्ता ने स्वाइन फ्लू से एक व्यक्ति की मौत और 2 मामले पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आम जनता को घबराने की कोई बात नहीं है। जिला कांगड़ा में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो स्वाइन फ्लू का तो जैसे हमारे को सबसे जो पहला केस जो 13 तारीख को जो रिपोर्ट हुआ था, जिसका टेस्ट भेजा था, जिसके बारे में थोड़ा मतलब लोगों में थोड़ा वो भ्रम भी फैल गया कि हो सकता है, तो उसके जो है अभी तक जो है 13 तारीख से लेके आज तक हमारे पास टोटल 9 केसेस जो है वो सस्पेक्ट किए थे टांडा में, क्योंकि टांडा में हमारा आइसोलेशन वार्ड बना गया और टेस्टिंग सेंटर भी है। तो 9 केसेस के ब्लड सैंपल भेजे गए थे, उसमें अभी तक जो है 5 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं और उसमें एक केस जो है उसकी डेथ जो है वो हो गई है। वो जो पेशेंट था वो ठानपुरी से बिलोंग करता था। जैसे वो पेशेंट वो दाखिल हुआ 16 तारीख को, उसका फिर 15 तारीख को वो दाखिल हुआ था, उसका उसी वक्त उसका सैंपल भेजा और नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई थी और वो स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव आया था। और ये ज्यादा खतरा जो होता है जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो होते हैं जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या छोटे बच्चे हैं, या बूढ़े पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट लेडी है, उनमें ज्यादा खतरा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो भी जुकाम का पेशेंट है उसको थोड़ा आइसोलेशन में रखें, उसके पास ना जाएं और थोड़ा परहेज रखें उनसे मिलने से, हाथ मिलाने से, और पानी पुनी का ज्यादा मतलब जो है प्रयोग करें ताकि जो है कि इसमें जो है कोई फर्टिलिटी ना हो। डॉक्टरों की माने तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट महज 4 घंटों में हो जाता है। टांडा में स्वाइन फ्लू का टेस्ट नहीं होने से सैंपल आईजीएमसी शिमला भेजने पड़ रहे हैं। इसके चलते रिपोर्ट कभी 2 तो कभी 3 दिन बाद पहुंच रही है। ऐसे में मरीज स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव है या नहीं, इसका पता दूसरे या तीसरे दिन ही चल रहा है। ऐसे में रिपोर्ट का इंतजार मरीज की जान पर भारी पड़ रहा है। अगर टांडा में ही टेस्ट हो जाए तो 4 घंटे में रिपोर्ट आने के बाद मरीज का इलाज शुरू हो जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।